आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें ए एंड बी दो इवेंट्स गिवन है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0 से 1 में लाई कर रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे डिफाइंड है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और ये हमें यहाँ पे हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट हमें पता होता है इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यह प्रोबेबिलिटी इवेंट अकर करेगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट अकर नहीं करेगा, दोनों का सम इज इक्वल टू 1, हेंस वहां से कंडीशन। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, मुझे ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट इस फॉर्म में गिवन है, दैट इज मुझे ये जो चीज़ है वो इक्वल गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें यहाँ पे 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन 1 गिवन है। ठीक है, देयरफॉर मैं अगर यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, तो ये 0 कभी नहीं हो सकता, हेंस इसको मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, बट मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इक्वल टू 0 या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये चीज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 है, तो या तो ये मल्टीप्लिकेशन 0 होगी या ये 0 होगा, ये 0 हमारा हो नहीं सकता, हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये 0 होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आएगी हमारी। अब ये क्या चीज़ शो करती है वो देखते हैं। अगर मेरे पास एक वेन डायग्राम मैं बनाऊँ इसी चीज़ का, ठीक है, वेन डायग्राम मैं बना के देख लेता हूँ, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये मेरा यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला सारा रीजन, और इसका अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ विद ए, ए हमारा ये वाला रीजन है। ठीक है, तो हमारा कॉमन रीजन क्या आ गया, ये वाला, मतलब ओनली ए, ओनली ए हमारा कॉमन रीजन आ गया, हेंस दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, और ये हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट जो है ये खाली है, दैट इज इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। देयरफॉर यहां से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। ये हमें यहां पे कंडीशन गिवन है, मतलब कि यहां पे ये जो है इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। इसका करेक्टेड वर्जन अगर ये कंडीशन लगा के मैं देखूं, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा इस फॉर्म में, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 0 रखनी है, हेंस ए इंटरसेक्शन बी हमारा नल सेट होगा। अब यहाँ पे अब देखना हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी 0, ए इंटरसेक्शन बी 0, तो ये तो हमारे पास ट्रू है, तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट तो नहीं है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो 0 है, बट ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें 0 से ग्रेटर गिवन है, हेंस क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटीज हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे हमें 0 लेस देन 0 से 1 के बीच में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ये चीज़ कभी 0 हो नहीं सकती, ये 0 नहीं होगी तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो हम इसको यही मानते हैं कि 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, एंड ये 0 से 1 के बीच में कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, 0 नहीं हो सकता, बट ये 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, हेंस यहाँ से ये आएगा हमेशा एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास जो है ग्रेटर दैन, एक ग्रेटर दैन 0 है, एक ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, हेंस ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। देयरफॉर
पॉजिटिव नंबर आएगा हमारे पास, बट वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीरो है। तो ये हमारे पास नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं हो सकती, हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी, वो तो हमने यहाँ पे शो ही किया, क्योंकि माइनस यहाँ पे प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आता है, बट वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने वो यहाँ पे शो कर दिया इक्वल टू जीरो है। तो ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है, हेंस ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज जीरो, प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, अब इस फॉर्मूला से अगर मैं देखूँ प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रॉबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास जीरो ही है एंड ये हमारे पास जीरो और वन के बीच में, तो ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, हेंस ये आ गया इक्वल टू जीरो, जो कि हमारे पास यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है, हेंस डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।